आजि भौरी आजि भ्रमिबे जगन्नाथ सारा जगत को भ्रमरे पकाउथिबा देवता आजि भौरी भळिया भ्रमिबे। अक्षय तृतीया ठारु महाप्रभुक एकोसी दिनिया बाहर चंदन यात्रा आरंभ हुए। मदन मोहन श्रीदेवी भूदेवी राम कृष्ण एवं पंच महादेव नरेन्द्र पुष्करिणी नंदा और भद्रा चापरे प्रत्यह जल क्रीड़ा करिथांती। बामदेव संहिता मतरे जल भ्रमणिका यात्रा तुए कबिं सती घसरा कहा दिने विंश तमे देवी जल भ्रमणिका बहु। अर्थात एही भौरीर शास्त्रीय नाम हेउछि जल भ्रमणिका। एहा विंशति दिवस रे अनुष्ठित होइथाय। एहार तात्पर्य हेउछि एही नौक्रीड़ा को दर्शन कले मनुष्यर विंशतरी दोषभोग सुखद होइथाय। अर्थात पुष्करणीर प्रतिकोण सहित मध्य भाग को मिसाई समुदाय एकोसी घेरा नौका भ्रमण अनुष्ठित होइथाय। चंदन यात्रार 20तम दिवस रे भौरी जात होइथाय। बाहर चंदन यात्रा रे प्रत्येक दिन चापरे गोटिए घेरा और रात्र चापरे तीन घेरा परिक्रमा करिथांती। किंतु भौरी रे रात्र चापरे ठाकुर नरेन्द्र पुष्करणी रे एकोसी घेरा नौ विहार करिथांती एवं एकोसीतम दिन रे महाप्रभुक हलदी पाणी नीति संपन्न होइथाय। पुरी रु जजति केशरी नायक के सह विक्रम बेहरा रिपोर्ट पीपीएल ओडिया। जय जगन्नाथ। मु पंडित दयानिधि पंडा। आज हेउछि पवित्र श्रीक्षेत्र रे चलिथिबा चंदन यात्रा र भौरी उत्सव। प्रथमे महाप्रभुंकर ए भौरी उत्सवर धारा विवरणी को मु स्वागत जनाउछि। दोळे च दोळ गोविंदम चापे च मधुसूदनम रथे च बामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वास्तवरे महाप्रभुंकर ए मानवीय लीला हेउछि अनन्य, जहाँकि ए चंदन यात्रा तन्मध्यरु एक यात्रा जहाँकि महाप्रभु माधव रूपरे एठे विराजमान करिसेंति। रथ एठारे होछन्ति कोन चापे च मधुसूदन, जहाँकु मधुसूदन भावरे आमे आख्या देछे। तेणु जेतेबेले महाप्रभुंकर अक्षय तृतीया ठारु ए पर्व अनुष्ठित होइथाय, भीतर बाहर चंदन यात्रा होउछि 21 दिन, या परे पुणी 21 दिन भीतर चाप हबो। महाप्रभुंक ए गोटे अनन्य नीति, जहाँकि जेतेबेले मानव जीवन रे जेतेबेले खरा र जेतेबेले प्रकोप बढ़ी थाए सेतेबेले थंडा अनुभव करिवा पाई से परि जल क्रीड़ा करिथाय। महाप्रभु मध्य सेहीपरि जल क्रीड़ा करिथांती। ए हेउछि जो पुष्करिणी, ताकु चंदन पुष्करिणी बा नरेन्द्र पुष्करिणी कहउछंती। ए पुष्करिणी रे महाप्रभु दोल गोविंद, जहाँकि भूदेवी श्रीदेवी और रामकृष्ण, इमाने रामकृष्ण पालिंगिरे आसंती और भूदेवी श्रीदेवी सहित मदन मोहन मणिबीमा मानने आसी ए चंदन यात्रा रे ए नरेन्द्र पुष्करिणी रे स्नान करिथांती। 21 दिन पर्यंत ए यात्रा अनुष्ठित होइथाय। प्रथमे तांक सहित महाप्रभुंकर जो रहिछन्ति पंच पांडव पंच महादेव, यथा लोकनाथ, मार्केण्डेश्वर, कपाळमोचन, जम्बेश्वर और नीलकंठेश्वर, ए पंच महादेव मध्य आसिथांती। कारण जेहेतु हेउछन्ति महाप्रभु मानवीय लीला करुछन्ति, तेणु ए जो देखुछन्ति जगति ए तांक भितरे थिबा जो चाप गृहरे रहिछन्ति स्नान करिया पई चंदन अगुरु कर्पूर जाईफळ पड़ी सुभाषित जल उपरे महाप्रभु स्नान करिथांती। पंच पांडव को जेतले स्नान करा जाय थाए सेतबे को आज दिव्य कुंडल हार मुज्जल मस्तक उज्जल लोलितम गाढ़ कुंतल नेत्र मुज्जल चंद्र शीतल भाषितम। तेणु थंडा ए शीतल ता प्रदान करिवा पई शीतलता को प्राप्ति करिवा पई महाप्रभु माने पंच महादेव से जल रे स्नान करिथांती। तापरे ए दुईटी जो देखुछन्ते गोटे होछने नंदा आ गोटे होजे भद्रा। नंदा रे महाप्रभु जे कि दोल गोविंद, जे कि मदन मोहन बा जा कुवन्ते मदन मोहन भूदेवी श्रीदेवी एमाने गति करिथांती, एवं आउ अन्यटारे रामकृष्ण एवं पंचु पांडव, एमाने
घेरा प्रथम जेतबेले मंदिर आसी था दोल विमान रामकृष्ण मंदिर बाहरी आसती पछे पछे दोल विमान मदन मोहन एवं भूदेवी श्रीदेवी आसी था एवं पंच महादेव तक पछक पछु लगिक आसी था कि अमन्य मूर्ति से कहुई नवनी जेते जहाँकि सुंदर बेसरे पाद पकई पकई राधाकृष्ण जमी जुगल मूर्ति आसे से बेस महाप्रभु आसी बड़दाण्ड आसी से चाप स्थान नरेन्द्र पुष्करणी पाखे प्रवेश होता से कहीं कला कले बर कन्हाई संगे रोहिणी सुत करती मथुरा विजय दांडे देख संगात। वास्तविक रामकृष्ण जितेबले आसती से बड़दाण्ड झुली 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 आसती जगन्नाथ प्रतिमा प्रतिनिधित्व भाव से मदन मोहन भूदेवी श्रीदेवी से चाप मंडपर आसी प्रवेश होती गोटे अनन्य भोग लगी थाए जहाँकि मांडुओ भोग लगी थाए मुख्य आकर्षण हूँ मांडुओ भोग भोग लगे महाप्रभु जा स्नान स्नान करी पुनश्च बेश हो सिंघार हो पुष्पर सुवासित सुंदर भाव महाप्रभु को सिंघार करी पुणी जेतबले अंतिम जो गुड दीटा चाप रही था गोटे दिन चाप आ गोटे हूँ राति चाप दिन चाप कौन ना प्रथम जो महाप्रभु आसी था आसी प्रथम भोग लगे प्रथम विमान बसी था प्रथम चाप अनुष्ठित से दिन बेले थाए तेणु दिन चाप पुणि पुनश्च पुणि स्नान कर सारापर महाप्रभु आसी जल रे स्नान करती पुणि सिंहार बेश सारापर पुणी पुनश्च राति चाप अनुष्ठित होता है एवं लास्ट दिन जो शेष दिन जहाँकि भौरी रही भौरी दिन महाप्रभुंर एक घेरा को परिक्रमा करते एक घेरा परिक्रमा कहीं ना से दिन अंतिम तिथि मान एक दिन बाहर चाप रही था शेष दिन जिते दिन पर्यटन एक सबुदिन गोटे गोटे घेरा है एक चाप एक दिन एक घेरा ताको प्रस्फुत होता ये हूँ गोटे अनन्य परंपरा जहाँकि सूचित कै नवनील जलधर श्यामल मूर्ति से श्यामल मूर्ति से रामकृष्ण आज अनन्य भाव रे अनन्य प्रेम भाव रे आज ये चंदन पुष्करिणी स्नान करुछंती जल क्रीड़ा करुछंती चंदन यात्रा को चंदन चंदन चाप ए पुष्करिणी की मध्य चंदन पुष्करिणी भाव रे आख्या दि जाइछे तेणु नरेन्द्र पुष्करिणी ए महत्व जहाँकि वर्षक गोटे थर महाप्रभुंर ये जो एक दिन धरी यात्रा करी ताहा समस्त को आकर्षणीय करे समस्त मनरे ये मानवीय लीला को महाप्रभु जनई देवाई अनन्य लीला करी आउ ए जो रही जो स्नान बेदी रही जो जगति अच्छी जगति में जिते बेश हूँ महाप्रभुंर से जगति में बेश हो पारे अतीब सुंदर देखा देखा जाती यथा जगति जगति रे जिमुत भेद करे जाग्रत जैत्र जा विमल जगत नाथ बोले जगत जा कहोरे जेतांक मध्य रे प्रबल हे नीलाद्रिश जगत जीणा भोग जगदीश विभव जाकु पाई तरंती हीन जन हे। वास्तविक से जगत रे जितेबले महाप्रभु मदन मोहन बेश हो जाए एवं से सुमधुर बेश को लावण्य को जीपर देखिले जड़े मन प्रेम हो जाए एवं समस्त पाप ताप खंडन हो जाए जेपरी जो यात्रा रही ये चाप यात्रा अनन्य जेपरी भाव में आम रथजात्रा रे महाप्रभु को दर्शन कले मुक्ति साधुर्य बामन भाव रे गणित करुचे तेणु बामन रे दर्शन कले मुक्ति से हीपरी चापरे मधुसूदन भाव रे प्रणाम कले आमर समस्त पाप ताप दुख कष्ट सब लाघव होता है से कहे चापे च मधुसूदन तेणु मधुसूदन को
प्रणाम पूर्वक समस्त मन आग्रह आज एठारे बहुत लोक रुंड केवल तांकर यात्रा देखापी नुह तांकर महनीय कमनीय मूर्ति वास्तव में से रामकृष्ण जे कि द्वापर युगर कथा मन पड़े से द्वापर युगरे रामकृष्ण जो अनन्य लीला यशोदा प्रति जो तांकर मानवीय लीला बाल्य लीला आज प्रस्फुटित हुए यही चंदन यात्रा देखा मिले सतरे से बाल्य काल रे जेपरी भाव रे लीला करथिले आज यही श्रीक्षेत्र से वृंदावन पाली जाइछि तेणु यही सब अनन्य परंपरा भितर मध्य महाप्रभुंकर नीति अनुष्ठित होइथाय ए पंच महादेव मध्य समस्ते आसिला परे ही सेमानंकर स्नान हो माने चाप होइथाय काहेकि ना पंच महादेव आउ केइ नहि से महाप्रभुंकर जहाँ आम पंच पांडव बोली कहचे होती लोकनाथ मार्केंडेश्वर कपालमोचन जम्बेश्वर और नीलकंठेश्वर तेणु महादेव हरि एवं हर दुई जना जाक कर जो क्रीड़ा जल रे जो आनंद अनुभव करती ताहाकु देखी आज मानव जाति धन्य धन्य मानक कृत्य कृत्य मानक वास्तविक ए मानवीय लीला से समग्र विश्व को जन दिंती महाप्रभुंकर ए परंपरा जहाँकि समग्र विश्व रे आज वंदित हो रही मो बहुत दिन है इच्छा करुच्ची मुझे आसी पारे मुझुच्ची जहाँ कार्तिक मसरे माघ मसरे इमती आसूची मस मस रोच मात्र ये चंदन जात्रा को केबे आसी पार नथिली ए वर्ष एबे मो पु कहली चले बाप जीवा गोटे दिन हेले दर्शन करी आसिया जगन्नाथ रामकृष्ण हरि भगवान को बोली कहार धरिके आसला आसला तो आसी टे दर्शन करी जी हेले आमे आसु आसु लेट हो गला प्रथम चाप खेल देखी पारलुनु एबे द्वितीय चाप खेलला देखिकी जी संगे रोहिणी सुत करती मथुरा विजय दांडे देख संगत खसी पड़ू कि आकाशु किए गंगा जमुना क्षीय संगे प्राण शोषिले नाश गला पुतना गहन कानन बनरे घोर बर साल गिरीबाम करे धोइले नंद जशोदाबाल घरे न रहंती गौड़े बड़ धम जाति घेनी बछा वृंद बाल के बने बुलंती नीति उइया सुछि कि पूर्णिमा शशी मधु सागरु उठ मधुपुर जुवती ओ गाली बागरु चंदन बेश मु करंती मोर हेउछि मन चित्त की धरिबे जुवती चाहे चंद्र बदन छनका पोसिला छाती रे जाति कुल उपेखी छाड़बे जीवन जशोदा गोपे कृष्ण न देखी जहर संगते महुरा आसी हेलानियत जुवती कूल को दईब कला कि हत पात झरी पड़ू कि झुंटिया झस केतन घाते झाल बिंदु बिंदु देहरु बहु अछि निरते टोपी टोपी गोपी चंदन मंडी छंती की साजे टेकी बारे चाहा मथुरा दांडे गोविंद बीजे ठाबे ठाबे गोल चहल बाजे सिंगा बैंसी ठिया होई भक्त दासोता
दांडे देखंती आसी निज घर को क्लीन किंबा हाइजीन रखिबा पई किणंतु हाइजीन प्रो हाइजीन रखिबा रे हाईएस्ट ट्रस्टेड ब्रांड फॉर बिजनेस इंक्वायरी कांटेक्ट 7873456786 माय वॉल ज्वेलर्स